सो गाइस स्वागत है सभी लोगों का एक न्यू वीडियो में। एंड गाइस तुम सोच रहे होगे मैंने कैसे केवल 29 रुपए में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को ले लिया जो कि भाई 690 का आता था। तो यार मैं तुम्हें बिल्कुल भी उल्लू नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं एक बार अपना प्ले स्टोर में भी तुम्हें दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अब मैं माइनक्राफ्ट सर्च कर लेते हैं अपन। यहाँ पे यार अपना माइनक्राफ्ट आ चुका है एंड भाई तुम जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल भी है। एंड भाई यहाँ पे तुमको एक रिफंड का ऑप्शन भी देखने मिल रहा है, मतलब कि भाई ने परचेस कर लिया है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एंड यार ये 30 रुपए में ही अपन को मिल रहा था। अब यहाँ पर मैं प्ले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड जैसे कि तुम देख रहे हो मेरा जो गेम है वो ओपन हो रहा है। मैंने ना थोड़ा नेट का थोड़ा इश्यू था तो धीरे होता है भाई ओपन। एंड गाइस यहाँ पे मैंने ना लॉग इन एंड प्ले भी करके पहले देख लिया था कि ये सब सही है कि नहीं। एंड भाई जैसे देख सकते हो इंटरफेस ये भाई क्रैक्ड वर्जन है ना, वो बस इसी के टाइप का दिखता है। एंड मैं एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। एंड जिंदगी में पहली बार मैं ना भाई पेड वाला माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। अगर तुमको यकीन नहीं है तो यहाँ पे ना मैं एक वर्ल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अब गेम ओपन होने के बाद। तो गाइस यहाँ पर यार मेरा जो वर्ल्ड है वो ओपन हो चुका है। एंड भाई जैसे कि तुम देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा भाई स्मूथ रन कर रहा है। खेला रहा था ना मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये थोड़ा सा लैग वैग कर रहा है, बहुत ही स्मूथ चला रहा था। एंड जो FPS है वो तो भाई 60 या 70 मेंटेन हो रहा था। सही बताऊं तो ये भाई बहुत ही तगड़ा मुझे लगा। क्रैक्ड वर्जन अगर तुम खेलते हो तो वो थोड़ा लैग करता है। तो गाइस अब तुम लोग बताना क्या कल तुम लोगों ने भी माइनक्राफ्ट परचेस किया या नहीं एंड कितने में किया ये भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो मैं तुमसे चलता हूँ अगली वीडियो पर। बाय बाय।